दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं, आपको याद हो? ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील का अबील का वाकया सबको याद है। एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था यार? तीसरा कौन हुआ था यार? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, बारहवां कौन हुआ, चौदहवां। पहला कत्ल सबको याद होता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? हाँ, ये आप कोर्ट में देखते हैं ना? नहीं, इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुगला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एक्ट्स ऑफ वेरी डिफरेंट स्केल। ये पहली दफा और अपनी नौयत की मखसूस हालात, ये याद रखा जाए। ये जिस चीज के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जा सकता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल पार्टी के साथ होगा ना, तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना, तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी। वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली यार, पहले एक के साथ हुआ, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो गया, नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं कि ये सब हो सकता है भैया, गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हो चुका है। पहली दफा ये चीज मुश्किल लगती है ना, जब रजिस्टर्ड होती है, इनके साथ हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है कि बच्चों वाली माओं को भी जी अलग किया जा सकता है, औरतों पे एक वक्त में ज्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको तशद्दुद भी किया जा सकता है, उन्हें लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हालात में भी रखा जा सकता है। तो ये पहली दफा हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है, दूसरी दफा नहीं होना।